एक तरफ जुमला जीवी की गारंटी है, दूसरा तरफ इस देश के निर्माण में योगदान देने वाली कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी विदेश में जाते हैं तो अलग हो जाती है। आज उन्होंने प्रगति मैदान में एक इन्फ्लुएंसर के साथ और कोई नई गारंटी दे दी कि मैं ही आऊंगा अगली बार आपको अवार्ड देने। शिवरात्रि के दिन आएंगे जरूर वो, पर भाजपा के नेता की हैसियत से आएंगे, प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आएंगे। इनका नेता कौन होगा वो नहीं पता। दक्षिणी भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के इतने दौरे पे दौरे हो रहे हैं, वहाँ पे ये अलायंस के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो एक झूठा है। बेरोजगारी कितनी फैल रही है आप ये तो देखिए, और निश्चित रूप से कांग्रेस ही आएगी इस देश में। बीजेपी और मोदी जी 150 पार नहीं कर पाएंगे, भारी नहीं सुपर भारी पड़ने वाली है, और एनडीए और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगी इन 5 गारंटी की। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से मोदी जी अपनी गारंटी देते रहते हैं, विकास की गारंटी देते रहते हैं, जनता के लिए गारंटियां देते रहते हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी ने भी 5 गारंटियां निकाली है युवा न्याय के लिए। जिस तरीके से 5 गारंटियां निकाली है तो उसी को लेकर लोगों में जश्न का माहौल है। लोग जो है थैंक यू राहुल गांधी बोल रहे हैं और इस तरीके से पटाखे जला रहे हैं और जश्न मना रहे हैं कि क्योंकि जो 5 गारंटियां लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी पड़ने वाली है मोदी के ऊपर। तो आइए जनता से ही जान लेते हैं सर, क्या कहेंगे जो 5 गारंटियां आप लेके आए, क्या ये मोदी पर भारी पड़ने वाली है? भारी नहीं सुपर भारी पड़ने वाली है, और एनडीए और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगी इन 5 गारंटी की। हाँ। देखिए 5 गारंटी में एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, गिग वर्कर्स का। हाँ। आप देखेंगे कि हमारे घर का जब चूल्हा जलता है उससे पहले जो सप्लाई चेन में काम करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी है। हाँ। उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। आज उनको अगर राहुल जी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं तो ये उस जननायक नेता की सोच को सल्यूट करना चाहिए हमें। 30 लाख नौकरियों की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, 2 करोड़ नौकरी की बात मोदी जी भी करते हैं। मोदी जी तो देखिए वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में किए हुए इंसान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस वर्ष जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए था वो उस टाइम मगरमच्छ पकड़ते थे, बिना स्टेशन के चाय बेचते थे। हम मोदी जी के उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कांग्रेस और उनकी नीतियों की बात करेंगे। देखिए आज हर कोई युवा चाहता है पढ़ लिख के वो बाहर जाए तो सम्मानजनक उसको एक अवसर मिले। भारतीय जनता पार्टी एक युवाओं को धर्म की रक्षा का ठेका दे रही है। राहुल जी ने नौकरी की गारंटी दी है, 1 लाख रुपए का स्टाइफंड डिग्री और डिप्लोमा धारक को, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले नहीं, जो कांग्रेस ने डिग्री यूनिवर्सिटी बनाई है उनसे पास आउट जो लोग हैं उनको 1 लाख रुपए का स्टाइफंड देगा, 30 लाख सरकारी नौकरी, 5,000 करोड़ का डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्टअप। अभी आप देखोगे स्टार्टअप के अंदर मेक इन इंडिया की जो दूरदर्शा है, मेक इन इंडिया के बावजूद देश का इंपोर्ट बढ़ा है, चाइना का सबसे ज्यादा रोल है। अगर आप पेपर लीक मांगने की बात कर लेते हैं, पेपर लीक पहले भी तो हुए थे, आपने उसको इतना बड़ा वो बना दिया है। देखिए ये बात आपने बड़ी सही की कि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 वर्षों के शासनकाल में पहली बात तो नौकरी नहीं निकलती, अब निकलती है तो इतना बड़ा, और देश की 20-22 करोड़ की बात ही है उत्तर प्रदेश की। उस युवा को जब नौकरी की बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं उनको कैसे लखनऊ के सचिवालय में पीटा जाता है। उनकी बात अगर हम नहीं करेंगे, राहुल जी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। राहुल जी ने कहा है कि जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो राहुल जी के बब्बर शेर हैं, आप हमारे को पीटिए कूटिए मारिए कुछ भी करिए, हम बुनियादी मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। और पेपर लीक खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है, बड़ा इंजन दिल्ली में है, कितने सीसी का है हमें नहीं पता, यूपी का डबल इंजन सरकार, दोनों फेल हो चुके हैं इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। उत्तराखंड का सेम हाल है, महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा इशू देश में है, और जब आप भाजपा की सरकार में महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, ये शायद भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल पीआर कम्युनिकेशन है या उनका सोशल मीडिया है। हाँ। उसके ऊपर सुरक्षित हो सकती हैं। देखिए अंकिता भंडारी केस हो, कुलदीप सेंगर का हो, बृजभूषण शरण सिंह का हो, अनगिनत ऐसे केस हैं जिनके अंदर न्याय को तरस रही है महिलाएं या फिर उनके जो परिवारजन हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके। तो इसलिए जो न्याय की बात जो कांग्रेस पार्टी करती है ये उस सामाजिक न्याय की बात करती है जिसमें देश की संविधान की आत्मा हर नागरिक को समानता का अधिकार देती है और सुरक्षा की गारंटी देती है। अपना तो आप मोदी जी का तरीका ही रहे ना, जिस तरीके से मोदी जी विकास की गारंटी और तमाम चीज़ों की गारंटी देते हैं वैसे ही आप 5 गारंटियाँ ले आए हैं राहुल गांधी जी। देखिए 5 जो गारंटी है वो देश की लगभग 90 करोड़ आबादी को कवर करती है। मोदी जी की देखिए गारंटी क्या है कि मोदी जी अब आप देखोगे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तभी 18,000 करोड़ की प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, 20,000 करोड़ का करेंगे, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि पिछला अलॉट कितना हुआ। हम बिहार का देखते हैं, नीतीश जी जब पहली बार एनडीए में थे उस टाइम
मोदी जी ने जो बिहार के लिए घोषणा की क्या वो पूरा किया, इनसे अगर सवाल पूछेंगे तो ये धर्म में उलझा के रख देंगे। हमारी कांग्रेस की जो गारंटी उस पर आप 100 सवाल कीजिए, हम एक एक का जवाब देंगे। मोदी जी की गारंटी विदेश में जाते हैं तो अलग हो जाती है। आज उन्होंने प्रगति मैदान में एक इनके इन्फ्लुएंसर के साथ और कोई नई गारंटी दे दी कि मैं ही आऊँगा अगली बार आपको अवार्ड देने शिवरात्रि के दिन। हाँ। आएंगे जरूर वो, पर भाजपा के नेता की हैसियत से आएंगे, प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आएंगे। हाँ। तो ये गारंटी में और मोदी जी गारंटी में क्या फर्क है कि जो लोग हैं इस पर विश्वास करें? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। हाँ। मेरा देश के तमाम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं उन लोगों से आग्रह है कि दोनों पार्टियों की गारंटी की आप तुलना कीजिए। एक तरफ जुमला जीवी की गारंटी है, दूसरा तरफ इस देश के निर्माण में योगदान देने वाली कांग्रेस पार्टी की गारंटी है जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, महिला न्याय, युवा न्याय और शिक्षा के अंदर पारदर्शिता के न्याय की बात करती है। और मुझे लगता है ये जो पांच चीज़ें हैं ये देश के बुनियादी ढांचे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बार पूरा बहुमत से सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन, और बीजेपी और मोदी जी 150 पार नहीं कर पाएंगे। जा चुकी है, हो चुकी है, बेरोजगारी कितनी फैल रही है आप ये तो देखिए, और निश्चित रूप से कांग्रेस ही आएगी इस देश में और कांग्रेस की ही मांग है। मतलब कांग्रेस ही आएगी, आपको भी ये लगता है? बिल्कुल, जितने भी अलायंस हो रहे हैं आपने आज ही देखा कि बिहार के अंदर जो अलायंस है इनका होगा या नहीं होगा वो सबसे बड़ी, महाराष्ट्र में इनका नेता कौन होगा वो नहीं पता, दक्षिणी भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के इतने दौरे पे दौरे हो रहे हैं वहाँ पे ये अलायंस के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो एक झूठा है। पांच कारण, एक ही कारण बताएंगे, इनकी लोकप्रियता जीरो हो चुकी है। टोटल जो प्रधानमंत्री फेलियर हो चुका है, कई हजार करोड़ जो पीआर के ऊपर खर्च कर रहा है, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए आपको? आप जनता से, जब देश के धरातल पर जो बैठा आखिरी इंसान है, जो श्री राहुल गांधी से उम्मीद लगा के बैठा है, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जो उमड़ती भीड़ देख रही है वो जीत की गारंटी है या गठबंधन और कांग्रेस की? तो सीधे तौर पर ये बोल रहे हैं कि इस बार जो है जो पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी 2024 में, और ये जो पांच गारंटी है ये मोदी जी पे भारी पड़ने वाली है, तो इसमें आप क्या कह रहे हैं पांच गारंटियों पे? हमें अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद।